everyone, welcome back to my channel and welcome back to a quirky video. I'm sorry for this super messy look, but I woke up like 20 minutes back, so I am still like swollen and my voice is that morning, typical morning voice. कल मेरी मॉम का बर्थडे है एंड आई वॉन्टेड टू व्लॉग माई मॉम्स बर्थडे एंड हम इसको दो दिन में बांट रहे हैं बिकॉज वन डे इज नॉट इनफ एंड दिस टाइम माई मॉम्स बर्थडे इज फॉलिंग ऑन अ ट्यूजडे. सो हम हमेशा जब खाने जाते हैं, माई डैड एंड रवि ऑलवेज लव टू ईट नॉन वेज एंड ऑल ऑफ दैट, ट्यूजडे को वो खा नहीं पाते तो हमने सोचा फैमिली लंच पे आज मंडे को जाएंगे एंड देन ट्यूजडे को कल थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, मॉम को थोड़ी शॉपिंग कराएंगे. दिस टाइम वी वांट प्लानिंग एनीथिंग एक्स्ट्रावेगेंट लाइक गोइंग ऑन अ लग्जूरियस वेकेशन जैसे लास्ट ईयर हम उदयपुर गए थे, बट आज के दिन की शुरुआत हो रही है इतने सारे आउटफिट ऑप्शन से. दिस इज फॉर माई मॉम बिकॉज आई एम शूटिंग अ शॉर्ट्स वीडियो जिसमें माई मॉम डिसाइड्स वॉट आई वेयर, लाइक माई मॉम पिक्स माई आउटफिट एंड सिंस आज उनका बर्थडे लंच है आई थॉट दिस विल बी द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी कि मम्मी मुझे ड्रेस करे. मेरी ये जो अलमारी है ना, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं देख सकता एंड आई डोंट हैव अ वॉक इन क्लॉजेट एंड आई हैव एन अलमीरा फुल ऑफ क्लोथ्स, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकती. ये ठीक से बंद भी नहीं हो रही है, आई टू गेट इट फिक्स. इसके यार पीछे के ना ये जो कुंडे हैं वो खराब हो रहे हैं, बट या आई एम गोना टेक अ बाथ. आज मम्मी ड्रेसेस ही मुझे पहनाना चाहती थी तो आई हैव टू शेव माई लेग्स, बट या आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस डे. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. Forgive me, my background and my room is a freaking mess because हम यहीं पर फिल्म कर रहे थे सारे options and this is the outfit that my mom picked. I am sure you have watched it on the shorts, but this is what the whole look is like. She picked out such a beautiful dress. ये ना मेरी एक मुंबई वाली आंटी शालिनी आंटी, मेरे फ्रेंड वैभव ने दी थी मिलके जब वो दिल्ली आए थे इसी साल. सो दे गॉट मी दिस ब्यूटिफुल ड्रेस एंड ये नई नवेली है, मैंने एक भी बार इसको नहीं पहना एंड माई मॉम रियली वॉन्टेड मी टू वेयर दिस, सो शी पिक्ड आउट दिस वन. लाइक आई एम तो अंडर ड्रेस looking at my mom, I feel like she looks so good and so beautiful, like the prettiest in the world. Let me show you. But the girl is here. She looks so beautiful. Oh my god, this kurti is my favorite. Like इतना सुंदर, इसके अंदर ऐसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है एंड द नेक, द चुन्नी, द कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज सो नाइस एंड वी आर रेडी फॉर बारबेक्यू नेशन. मैंने बोला कुछ व्लॉग में मैं नया दिखा देती हूँ, लाइक हमको तो बारबेक्यू नेशन जाना है. मैंने कहा चलो यार चल लो, अभी भी वही खुश होता है. ही इज आल्सो वेरी हैप्पी. मुझे गुड़गांव वाला बेस्ट लगता है, तभी तो हम बेस्ट गर्ल के बर्थडे पे बेस्ट जगह जा रहे हैं. चलो लेट्स गो. From across the room, I don't know what to say to you. I don't think I can avoid you all night. I can't stand this place no more, but I'm still here. Don't know what for. You know that I've been waiting all night. Tell me it's your birthday without telling me it's your birthday. बारबेक्यू नेशन वालों ने ये पहना दिया और इतना प्यारा लिखा है. यस, लुक एट दिस गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल. पहले तो एक केक देते थे बट आज इतनी सुंदर हैप्पी बर्थडे की सजावट की है. Is definitely an emotion because that is exactly how I feel right now. I have got my period. जब भी लाइफ में कोई अच्छा इवेंट हो ये तो होना ही होता है. You guys know my periods are so painful and super heavy and मुझे शुरू से ही ना लीकेज और स्टेनिंग वगैरह का प्रॉब्लम रहा है. रैशेज हो जाते थे एंड स्टेनिंग प्रॉब्लम तो रहता ही था बिकॉज ऑफ माई हैवी फ्लो फर्स्ट और सेकंड डे के दौरान. सो मैंने दो तीन मंथ पहले ना पैड स्विच किए एंड नाउ आई एम यूजिंग द परी सैनिटरी पैड्स. यू कैन सी मैंने यहाँ पे पूरा पैक मंगा के रखा हुआ है, सो आई एम सॉर्टेड फॉर मंथ्स. तो ये जो पैड्स है वो बहुत कंफर्टेबल है स्पेशली फॉर हैवी फ्लो डेज एंड बिकॉज इसमें ना They offer this extra coverage because of the double feathers. जिसे heavy flow वगैरह के दिन में staining नहीं होती है, जो first और second day पे double XL वाला size ही suit करता है. So these are the two feathers यहाँ पे और एक नीचे भी, ताकि आपकी बिल्कुल staining ना हो सके. कभी कभी पीछे से ऐसे pad मुड़ जाता है and टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, but this keeps it super secure. Also I told you guys about rashes ना, so इसके अंदर एक बहुत ही soft सी sheet लगी है जिससे आपको rashes बिल्कुल भी नहीं होते हैं and it also prevents itching down there. Plus इसकी fragrance बहुत ही ज्यादा mild है. I don't like heavy scented products. If you are also going through these staining problems, I think
थिंक यू मस्ट ट्राई परी सैनिटरी पैड्स. इसमें दो साइजेस आते हैं, एक्सएल एंड डबल एक्सएल. आई फील सुपर रिलैक्स एंड कंफर्टेबल यूजिंग दीज पैड्स. दीज आर सो थिन, एकदम पता नहीं लगता कुछ पहना हुआ है. आई हाईली प्रेफर दीज पैड्स जब आपके बहुत ज्यादा हैवी फ्लो वाले डेज हो. दिस इज अ हैवी फ्लो चैंपियन, सो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा. इफ इट्स अ स्पेशल इवेंट और ड्यूरिंग नाइट, आप अच्छे से शांति से सो पाओगे. आई विल लीव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मेक श्योर यू चेक इट आउट. एंड अगर आप चेकआउट करो, ट्राई करो, कम बैक टू दिस वीडियो, लेट मी नो एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट. आई वुड लव टू हियर इट आउट. अभी बज गया 12:30, मैं रात को आई थिंक 1 बजे सोई थी. कल आके मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया बिकॉज वी वर लिटरली एट होम डूइंग नथिंग. आई विश माय मॉम 12 बजे, सरप्राइजिंगली उस टाइम मम्मी और मैं ही उठे हुए थे. हमारी फैमिली में ऐसा कोई प्रचलन नहीं है कि हम 12 बजे विश करें रात को. दिन सुबह उठ के पापा सरप्राइज डस लाइक मॉम और मैं सो रहे थे, एंड ही सरप्राइज डस विद फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर. लाइक ही मेड इट एंड ही ऑर्डर्ड एवरीथिंग, जो सारी सामग्री वगैरह थी, एंड वी वर सो हैप्पी. मेरी मॉम भी बहुत खुश हुई. एंड देन ही मेड चाय फॉर माई मॉम. इट वॉज जस्ट रियली स्वीट. मेरे पापा ने ना मम्मी को गिफ्ट भी लेके दिया था 1-2 दिन पहले, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी. बट आज का प्लान यही है कि मॉम और मैं शायद मॉल जाएं. आई एम गोना गो पिक एन आउटफिट फॉर हर. उनका आज अच्छे से मेकअप करूंगी. आई एम गोना डॉल हर अप. एंड होपफुली आपकी मम्मी का अगर कोई आगे पीछे बर्थडे आना हो तो आप लोग भी एंजॉय कर पाओगे. जैसे मुझे सनग्लासेस का शौक हो रहा है ना, वैसे मेरी मम्मी को आजकल बैग्स का बहुत शौक हो रहा है. यू कैन चेक आउट हर इंस्टाग्राम, रोज एक नया बैग लेके आउटफिट ऑफ द डे वगैरह डालती है, एंड दैट इज सो क्यूट. तो अभी तक का यही प्लान है, बाकी मॉल में जो होगा आई विल ट्राई टू व्लॉग एंड शो यू गाइस. लेट्स गो. Okay, you guys, I am here with my mom's birthday outfit. This is a very pretty kurta, जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह का patchwork type का कुछ दिख रहा है. एंड आई रियली लाइक द मिरर वर्क ऑन इट. हल्का सा इसमें सिपियों का भी काम है. माई मॉम उनके ऊपर ना ऐसे वाले कलर्स बहुत खिलते हैं, लाइक ऑरेंज, पिंक्स एंड रेड्स. दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड जोला. आई थिंक ये मिंत्रा का था. एंड देन इसके साथ, क्योंकि इसका ऑलरेडी हाई नेक है एंड यहाँ पे काफी सारा काम चल रहा है ऊपर ऊपर में, आई डेंट वॉन्ट कि इसके ऊपर कुछ आए लंबा सा, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता. सो आई एम पेयरिंग दिस विद अ वेरी डेंटी चेन. दिस इज काइंड ऑफ अ चोकर एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी. लाइक लुक एट दिस. दिस इज फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड द मुद्दू. इतनी सारी चीजें उन्होंने मुझे भेजी थी, सो अब मैं मम्मी को भी पहनाने लगी हूँ. एंड देन इस आउटफिट के साथ आई एम पेयरिंग दिस ऑल्डो का बैग, जो मेरा बैग है. एंड उनके पास ऐसा ब्राउन म्यूटेड सा बैग है नहीं. आई फील लाइक इस आउटफिट के साथ इसको थोड़ा सा सबड्यूट बनाने के लिए दिस विल गो रियली रियली वेल. सो आज मैं मम्मी को ये बैग देने वाली हूँ. एंड स्टाइल करने के लिए दीज कम्फी क्रॉक्स. सो ये वाले चीज मेरे पापा ने मम्मी को गिफ्ट में दी थी. माई मॉम लव्स दीज. उनके पास आई थिंक ब्लैक में भी है, पिंक में भी है. दिस वॉज द ओनली कलर लेफ्ट. सो वेन वी वेंट टू सीपी, ना आप लोगों ने अगर मेरे व्हाट आई ईट जन्माष्टमी ब्लॉग में देखा होगा, उस दिन पापा ने मम्मी को एक क्रॉक्स लेके दे दिए थे. एंड पीछे का जो मटेरियल है वो इतना सॉफ्ट है कि छिलेंगे नहीं पैर. सो वी रियली लाइक इट. यू गाइस कैन सी इसमें भी टैग भी लगा हुआ है, व्हिच वी हैव टू गेट रिड ऑफ, बट दिस इज गोना बी माय मॉम्स आउटफिट फॉर द डे, माय बर्थडे गर्ल. Stealing covers, I like to drink to myself, so I'ma have another. No, I don't need a hand to hold tight, don't need a love that's all mine, but sometimes I just want somebody to talk to, someone that's on राइट गाइस. सो मॉम इज रेडी. लुक एट हर, लुक एट द ग्लो. मम्मी दिखाना जरा अपना हाइलाइटर. ओह माय गॉड, हर स्किन लुक्स सो प्रिटी, सो यंग. एंड ये कलर मैंने बोला था मेरी मम्मी पे, ऐसे रेडिश ऑरेंजिश पिंकिश कलर्स बहुत सूट करते हैं. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. एंड वी आर नॉट वी, मम्मी इज रेडी. अभी मेरे को पूरा मेकअप और अपना आउटफिट करना है, विच इज काइंड ऑफ सॉर्टेड. लाइक मैं बहुत ज्यादा तैयार नहीं होने वाली, आउटफिट भी मैंने निकाल के रख लिया था. बट हाउ डू यू फील अबाउट दिस लुक? आज बहुत टाइम बाद आई ग्लैमड अप. ये मेरे पसंद का है एक्चुअली. मुझे ना सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता ये. हर स्किन इज ड्राई प्लस मैच्योर, सो आई ट्राई टू यूज हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स प्लस स्मूथनिंग प्रोडक्ट्स, ब्लरिंग प्रोडक्ट्स, एंड उसके ऊपर से ढेर सारा हाइलाइटर, बिकॉज शी इज अ रियल हाइलाइटर क्वीन. इफ यू गाइस थिंक मैं ज्यादा हाइलाइटर लगाती हूँ, मीट मम्मी. मुझे कुछ नहीं लगाओ, बस हाइलाइटर लगा. समटाइम्स वो हमेशा मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड उसके बाद हाइलाइटर लगा लेती है. सो शी इज द ट्रू हाइलाइटर क्वीन. एंड मैंने उनके लिप्स भी इस बार काफी ऐसे ग्लॉसी से रखे हैं. अच्छा लग रहा है. तूने लिपस्टिक भी अच्छी लगाई है, मैं तो हमेशा बाहर निकाल देती हूँ. TMI. मैं हमेशा मम्मी को बोलती क्या ये लिपस्टिक ऐसे बाहर क्यों निकाल दिया है, बट आई अप्लाइड इट परफेक्टली आई होप. बट या
prettiest mummy. चलो अब मैं तैयार होती हूँ and then we'll go to the thank you. क्या अभी तो gift बाकी है यार. चलो चलो. मम्मी के बर्थडे के दिन वी हिट 800 के सब्सक्राइबर्स. आई वाज फिल्मिंग. कहाँ है मेरा मोबाइल, मेरे को देखना है. ओह 800 के. यू गाइस 800 के 8 लाख सब्सक्राइबर्स. ओह माय गॉड. ये तो सब्सक्राइबर्स ने भी गिफ्ट दे दिया इसे. मेरे को दे दिया मेरे बर्थडे पे. मेरी मम्मी के बर्थडे के दिन गिफ्ट मिल गया हमको. बहुत ही खुशी हो रही है. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग. थैंक यू फॉर स्टिकिंग बाय. मैं अपनी ब्राउ कर लेती हूँ. आई फील गुड. मेरे को कोई सेलिब्रेट करने का मन नहीं है. आई जस्ट फील गुड के जो भी मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ दे आर फ्रूटफुल. हाँ दे आर पेइंग ऑफ. सही बात है. Hello, so this is the final look that I picked for my mom's birthday. Nothing special, I want her to shine. So this is a cow print satin shirt from Zara. It's a little loose but I think ye kafi tunic type ki vibe de raha hai with this white pant. This is from Prerna Jindal if I'm not wrong. Ek Instagram store hai. And these heels are again from Zara. Kafi comfortable hai ye. Ishan ke birthday pe pehni thi. And the same bag jo maine kal liya tha because this just goes with the whole black and white vibe. Kal bhi mummy ne kuch aisa outfit select kiya, aaj bhi. I think I'm feeling monochromatic. ऑल्सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा न्यूड मेकअप किया हुआ है. इयर रिंग्स आज नहीं पहने हैं, कानों को थोड़ा रेस्ट दे रही हूँ. एंड दिस नेक पीस इज फ्रॉम स्वरोस्की. आई फील लाइक पीरियड्स के टाइम ना आई काइंड ऑफ फील नॉजियस कभी कभी एंड तभी मुझे फर्स्ट दिन मेडिसिन लेनी पड़ती है. लेकिन आज मम्मी का बर्थडे है. आई एम गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट. वी आर गोइंग टू बाय द वे डीएलएफ प्रोमेनाड के साथ एक एम्पोरियो मॉल है ना वसंत कुंज में, हम वहाँ जाने वाले हैं. बिकॉज आई रियली वॉन्ट माई मॉम टू गेट अ लग्जरी बैग दिस टाइम. आप लोगों को पता है मैं काफी लग्जरी सनग्लासेस और ये सब ले रही हूँ. एंड सिंस शी हैज बीन रियली सर्चिंग फॉर दैट वन cute bag. I always feel guilty when I'm not able to surprise people and this time my mom specifically asked ke please don't spend money without asking me. So I'm just like theek hai main aapko leke jaungi aur aapko jo pasand aayega aapke samne on the spot hi leke dungi. So main Emporio ja rahe hain. Wahan main ek baar zindagi mein pehle gayi thi when I was like so little and main bilkul aise aankhe chondi aa gayi thi mere because this is such a bougie mall. Wahan pe aise bade bade brands hote hain and main kabhi bhi nahi gayi aise store mein. So I'm also feeling nervous. I don't know if people are gonna let us film there or not. So main apna mobile leke ja rahi hu. I'm gonna keep my camera at home only. So baki ka vlog aap phone se enjoy karna. Let's go and let's get this birthday party started. मोगाम्बो खुश हुआ. माय फर्स्ट डिजाइनर बैग. या बहुत ही प्यारा है. एंड द कोच पीपल वर रियली नाइस एंड काइंड. लाइक द सेल्स पर्सन हु वाज अटेंडिंग अस इतनी स्वीट थी वो. आई टोल्ड हर के मम्मी का बर्थडे है. उसने इतनी अच्छी तरह विश किया. उसने कहा मैं गिफ्ट पैक कराऊंगी एंड दे आल्सो गेव अस अ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट. एंड वाओ अमेजिंग सर्विस एंड अमेजिंग लुक बर्थडे का. आई एम सो हैप्पी कि मम्मी को कुछ पसंद आ गया. बिकॉज पहले तो शी वॉज लाइक तेरे को जो पसंद आए थे वो जो कैरी कर सके मैं वही लूंगी. एंड आई वॉज लाइक नहीं आपको जो लेना है वही लो जो आपको पसंद आए. बट घर जाके हम दिखाते हैं हमने कौन सा वाला लिया. ओके सो स्टारबक्स पे वी हैड कॉफी. सबकी डबल चिन्स दिख रही है. बट मम्मी पापा एक चीज के पीछे पड़े हैं. वो क्या है?
वो है कि सेलिब्रेशन करनी है 800 के की, तो इसको बोल रहे हैं कुछ ले 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 ले। मैं कह रही हूँ आपका बर्थडे, आप अपना दिन एंजॉय करो, देर मेकिंग इट अबाउट मी। इसका भी तो डे है आज, इतना इंपॉर्टेंट डे है 800 के। सेलिब्रेटेड कल या नेक्स्ट ब्लॉग में, कॉन्टेंट क्यों सारा एक ही ब्लॉग में डाल रहे हो? पर आज ही करना बनता है ना। Got me a gift. I am feeling very embarrassed because birthday आपका है and जबरदस्ती. But you are our child ना? अच्छा child. हमारे तो कुछ responsibility है कि नहीं? अच्छा. Enjoyed the spontaneous cake cutting. Thank you, Rehnuma, for sending us the cake. वो हमेशा करवा चौथ पे मम्मी को मेहंदी लगाती है, and she's very fond of my mom, my mom, and दोनों ही we are very fond of her, very sweet girl. And we are so happy कि we got to cut the cake. मम्मी ने बोला था कि मुझे केक नहीं काटना है, so हमारे घर किसी ना किसी चांस से केक आ ही जाता है. But I just wanted to end this vlog by showing you guys our gifts. So मैंने मम्मी को ये लेके दिया. I really wanted, I told you guys के एक luxury bag मम्मी को लेके दूँ. So we went for Coach, which is kind of an affordable luxury when it comes to like अगर आप luxury brands को compare करो, and she didn't want me to spend a lot. So I just want you to open it. मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, इतना अच्छा मेकअप करती है, इतना अच्छा इतना सबको खुश करने में लगी रहती है. बस इसका यही थॉट है कि सब कैसे खुश करूँ, मम्मी पापा को कैसे, भाई को खुश करूँ, अपना सोचती नहीं है. और सबको खुश करती है. अनबॉक्सिंग दिखानी थी. All right, you guys. मैं इतनी खुश हूँ ना, जैसे ही हम ये लेके निकले थे मेरे को एकदम एक एक्सट्रीम एक्साइटमेंट हुआ था. अनबॉक्सिंग ब्यूटीफुल बैग, बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल है. हम दोनों का ही कोइंसिडेंटली डे बन गया. आई रियली वांटेड कि आज सिर्फ और सिर्फ मम्मी का दिन रहे, बट ये दोनों माँ बाप ना मेरे क्रेजी है. 800 के हुए कोई छोटी बात है? इसके अंदर मैंने क्या लिया है? थोड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है दिखाते हुए. क्यों एम्बैरेसमेंट? मैंने ली है दो ईंटें ब्लैक कलर की. ये मैं मान, आजकल मेरी सैंडल चॉइस ऐसी हो गई है आफ्टर नेकेड होल. बट आई रियली लाइक इट यार. आई फील लाइक इसमें पैर जब मैंने पहना, इट वॉज सो कुशनी, बिल्कुल पैर मुड़ नहीं रहा था. एंड दिस इज वॉट द हील लुक्स लाइक. बहुत अच्छा गिफ्ट मेरे को लेके दे दिया. 8 लाख भी हो गए, मम्मी का बर्थडे भी मन गया. आई एम रियली, मेरा बर्थडे में बेस्ट सरप्राइज मिल गया. इसके 8 लाख हो गए, और भी बहुत खुशियाँ मिली मुझे इस बार. आज का इस बार का मम्मी का बर्थडे वॉज ट्रूली स्पेशल. लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड बिहाइंड द सीन्स व्हिच मेड माय मॉम हैप्पी. आई विल शेयर दैट समडे एल्स. बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यू गाइज. बहुत हमें अच्छा लगता है मम्मी और हम सबका बर्थडे साथ में मनाने में. एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद अनदर क्वर्की वीडियो. तब तक सब्सक्राइब कर लो. पहली बार वीडियो देख रहे हो तो घंटी दबा देना. मैं हर ट्यूजडे फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे वीडियो डालती हूँ, एंड शॉर्ट्स तो मैं रोज अपलोड कर ही रही हूँ. आई होप आप लोग एंजॉय करें. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ दैट क्वर्की मिस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.